what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक जिम्नास्टिक की एक और नई वीडियो में। सिखाने वाला हूँ हैंड स्टैंड, चार स्टेप पे, मात्र चार स्टेप पे आपको सिखाऊंगा आज हैंड स्टैंड। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कैसे फर्स्ट से एंड तक, लास्ट कौन सा स्टेप है, उसके पहले कौन सा है, उसके पहले कौन सा और फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ये वन बाई वन आपको एक एक करते हैं वीडियो की ओर और बताते हैं आपको कौन सा स्टेप पहले करना है और हैंड स्टैंड करने से कौन से मसल आपके यूज़ होंगे और कौन से मसल पे आपको पावर लगेगी, वन बाय वन आपको मैं बताता रहूँगा। हैंड स्टैंड सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों का क्या है, वो इजी कर सकते हैं, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है उनकी बॉडी में। जो अडल्ट हैं उनका थोड़ा स्टिफनेस होती है, टाइट हो जाती है बॉडी, इसलिए थोड़ा उनको टाइम लगता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सबसे इजी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक सभी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बॉल के साथ खड़े रहना है, ऐसे दोनों हाथों को ऊपर करके पूरा लेग को लेग से लेके ऊपर हाथों तक पूरा दीवार के साथ सट के रहना है, पूरा चिपका के रहना है। मिनिमम कम से कम 30 सेकेंड से एक मिनट तक पूरा होल्ड करके रखना है ऐसे। इससे क्या, थोड़ा आपके मसल है जो रिस्ट है उसमें पावर आएगी, स्टेमिना बनेगा। ये आपका आ गया फर्स्ट स्टेप। ऐसे बॉडी को बराबर रखते हुए दोनों पैरों को ये ऐसे रखना है, दोनों पैरों को पीछे करके बॉडी को पूरा, जो आपकी नजरें हैं पूरी नीचे होनी चाहिए और बॉडी को पूरा आगे रखना है ऐसे। इस पोजीशन में आपको कम से कम 30 सेकंड से एक मिनट तक रहना है। इससे कि आपको मसल पर पूरी ये ऐसे स्टेप है। तीसरा स्टेप है दीवार के साथ हाथ नीचे पैर ऊपर। मुझे देखिए, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट में दोनों हाथों को नीचे रखना है ऐसे, फेस जो है दीवार की साइड होना चाहिए, ऐसे करके पूरा पीछे ऐसे करना है। इसको कम से कम 30 सेकंड से एक मिनट तक होल्ड करना है। धीरे 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 नीचे आ जाना है। जो बिगनर, बिल्कुल बिगनर है, वो दीवार से कम 2 फुट, दीवार से 2 फुट का गैप होना चाहिए, क्योंकि बिगनर के लिए जल्दी से उठ नहीं पाएगा वो। जैसे मेरे को देख रहे हो, यहाँ पे रखेगा तो इजी उठ पाएगा। जो थोड़ा इंटरमीडिएट का है वो धीरे 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 करके ऐसे पीछे तक। चौथा और लास्ट स्टेप, इस स्टेप को आखिरी में करना है और कैसे करना है मैं करके दिखाऊंगा आपको। और इस स्टेप को ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि जब आदमी ऊपर उठता है, उठने का डर होता है, जो डर के मारे वो नीचे गिर सकता है। इसलिए मुझे देखिए कैसे करना है। फर्स्ट में जो फेस है अपना, फेस दीवार की साइड रखना है, इस साइड। मुझे देखिए, पहले हाथ जो बिगनर है, बिगनर थोड़ा दीवार से कम 2 फुट पीछे रखिए हाथ ऐसे, धीरे 1 2 3 ये धीरे 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 हाथ को आगे लेके जाइए ऐसे, ये होल्ड कीजिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है। होल्ड करने का फ़ायदा ये है कि आपके जो शोल्डर मसल है वो मजबूत होंगे, एल्बो मजबूत होगी, कलाई मजबूत होगी, इससे क्या आपको हैंड स्टैंड करने में आसानी होगी।
धीरे नीचे आते समय धीरे धीरे में कम से कम 4 से 5 बार करें, और होल्ड जितना होल्ड कर सकते हो आप उतना होल्ड करें, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना जल्दी सीख पाओगे। मेरे स्टेप आशा करता बताए हुए आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आई होगी। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।